हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर फाइनली सई जो है एक्शन ले चुकी है और 72 घंटे की गणित तो समझ में नहीं आई, लेकिन 72 घंटे की मोहलत भी विराट को दे चुकी है। लोग अक्सर कहते हैं कि 2 दिन का वक्त है, 24 घंटे का वक्त है, 3 दिन का वक्त है, लेकिन यहां पर सई ने कहा है कि 72 घंटे का वक्त है। विराट चौहान अपनी फैमिली को बता दीजिए कि क्या सिचुएशन है। अब यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से भवानी काकू और पत्रलेखा मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल तो वो ही है। और यहां पर विराट को लगता है कि यार इन्होंने सुन ना लिया हो कुछ भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रलेखा को जो है पता चल जाने वाला है इन सारी चीजों के बारे में। अब दोस्तों यहां पर इन चीजों के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि सीन कैसे होने वाला है, पत्रलेखा फरार हो जाएगी, विराट ढूंढेगा। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि आखिरकार विनायक किसके पास जाएगा, आखिरकार कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि यहां पर सीधी बात तो यह है कि पत्रलेखा को अगर विनायक फिर से सौंप दिया जाता है तो सही की और सच्चाई की हार जो है सील के अंदर पूरी तरह हो जाएगी। जिस तरीके से यह रिश्ता क्या कहलाता है, टक्कर दे रहा है टीआरपी में गुमे किसी के प्यार में को, सीधी सी बात है अगर यह नेगेटिविटी आती है तो गुमे किसी के प्यार में की पोजिशन जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक टीवी सीरियल के मेकर्स को जो है सबसे प्यारी होती है तो वो ऑडियंस भी नहीं, सबसे प्यारी होती है टीआरपी, क्योंकि टीआरपी एडवर्टाइजमेंट पे स्पॉन्सर और फायदे पहुंचाती है। और ऐसे में दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दूं कि सई की एंट्री जो है आपको चवान निवास में देखने को मिलेगी डेफिनेटली। क्योंकि यहां पर दोस्तों आप सभी को मालूम है कि चवान निवास में जो है पत्ता हिलता नहीं है भवानी काकू की इजाजत के बिना। और इन सारी चीजें होने के बाद जब सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो विराट भाई साहब सच लेकर पहुंचने वाले हैं चवान निवास में कि गुरुजनों, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं जिनकी चलती है चवान निवास में, कि मेरी गलती थी, मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया। तो भवानी काकू को पता चलने वाला है कि असल वंशज तो विनायक ही है। यहां पर सभी का मैटर जो है फिलहाल क्लोज ही रहने वाला है, सभी का कोई खासा रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है जब सभी की कहानी चल रही थी तो विनू बिल्कुल साइडलाइन था, और इस वक्त सभी का ही वही हाल है सील के अंदर आप देख सकते हैं। ऐसे में जब भवानी काकू को पता चलने वाला है कि विनायक चवान निवास का वंशज है और सई जो है उसको अपने साथ ले जाना चाहती है, तो भवानी काकू में सद्बुद्धि अभी भी नहीं आने वाली है। वो सई को अपनी बहू का रूप जो है देगी, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। यहां पर भवानी काकू शर्त रखने वाली है कि अगर चवान निवास का वंशज दूर गया तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा, अगर सई तुम्हें चवान निवास के वंशज को रखना ही है तो चवान निवास में रहते हुए ही तुम्हें इसे रखना होगा, तुम विनायक को उससे दूर नहीं ले जा सकती, उसके परिवार से, उसके चवान निवास से। और यहां पर सई की भी यह शर्त है कि वो विनायक से दूर नहीं रहेगी। तो यहां पर दोस्तों ऑल ओवर भवानी काकू का कहना, सई की जिद और विनायक का दोनों नाव में सवार होना, मतलब छोटा सा बच्चा है उसे तो अपनी आई भी प्यारी है जो उसे वो पत्रलेखा को समझता है और डॉक्टर आंटी से भी बहुत प्यार करता है, तो भला अपनी आई को छोड़कर डॉक्टर आंटी के पास जाने की तो कैसे सोच सकता है। तो वीनू की भलाई, चवान निवास का वंशज, विराट की मजबूरी और पत्रलेखा का रोना धोना और उसका मतलब जान वान देने वाला सीन, इन सबको मिलाकर जो है फाइनल कंक्लूजन यहां पर यह निकलेगा कहानी में कि सई यहां पर डिसाइड करने वाली है कि वह चवान निवास में रहेगी लेकिन अपने दोनों बच्चों के साथ, और विराट से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा और विनायक और सई के बीच में कोई नहीं आएगा। और यहां पर पत्रलेखा से जो है ये सच आपको छुपते हुए ही नजर आ सकता है फिलहाल, लेकिन पत्रलेखा को भी सारा सच सामने आएगा। तो पत्रलेखा यहां पर काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो है उठाते हुए नजर आएगी, और जिस तरीके से फिलहाल तड़कते भड़कते हुए कह रही है कि सई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाने की, आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम कैसी मां हो, यहां पर जो शब्द उसने कहे हैं। और ये सील के मेकर्स ने आप लोगों के सामने इसलिए ही रखे हैं क्योंकि अब जो पत्रलेखा को तमाचे पड़ने वाले हैं किस्मत के और सही के, सच्चाई के, सारी सच्चाई के, तो यहां पर पत्रलेखा का जो है पूरी तरीके से नेगेटिविटी जो है वो उछल उछल कर बाहर आने वाली है, और पत्रलेखा को समझ में आ जाएगा कि भैया अब गेम हाथ से निकल चुका है, अब सही है यहां पर और पूरी तरीके से सही को ही झेलना होगा। और यहां पर मुसीबत के समय में वो कहते हैं ना कि गधे को भी बाप बना लिया जाता है, तो यहां पर सही तो गढ़चिरौली की शेरनी है, भवानी काकू भी यहां पर जो है उसे चवान निवास के रस्ते उसके लिए खोलने वाली है, क्योंकि भवानी काकू को सिर्फ प्यारा है तो चवान निवास का वंशज, पत्रलेखा जो कभी दे नहीं सकती है, सही से उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो चवान निवास के वंशज से जो सई के पास जाने वाला है, और भवानी काकू ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो चवान निवास में एक छत के नीचे जो है आपको घूम फिर कर कि सबको आना ही पड़ेगा। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ने वाली है जो कि पूरी तरीके से सई के कंधों पर होने वाली है,
क्योंकि सही का जो है एक नया अवतार फाइनली यानी कि पुराना वाला अवतार जो है हमको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ एपिसोड से, और ये अवतार फिलहाल बरकरार रहने वाला है। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, जब भी सीरियल का जो माइनस पॉइंट आता है, जब टीआरपी डाउन जाती है, तो यहां पर सही का एक ऐसा ही अवतार होता है जो कि टीआरपी को फिर से ऊपर लेकर आ जाता है। एंड बहुत सारे लोग टीआरपी को लेकर सवाल कर रहे थे कि नंबर वन अनुपमा है, गुमे किसके पैर में सेकंड नंबर पर है, यहां पर जो ये रिश्ता क्या कहलाता है वो तीसरे पर आ गया, इमली जो है वो चौथे पर है, फालतू पांचवी पोजीशन पर आ गया, जबकि फालतू स्टोरी लेकर आगे बढ़ रहा है पूरी तरीके से। यहां पर दोस्तों यहां पर सवाल ये कर रहे थे लोग कि क्या गुमे किसी के प्यार में नीचे आएगा अगले सप्ताह, ये रिश्ता क्या कहलाता है से? तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि जिस तरीके से ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीव के बाद की कहानी शुरू हुई है, तो सीधी सी बात है यूनिक स्टोरी है, टीआरपी मिलनी तय है। लेकिन गुमे किसी के प्यार में के आने वाले सप्ताह में जो है इस स्टोरी का कंक्लूजन निकलने वाला है कि रिजल्ट क्या निकलेगा, तो डेफिनेटली टीआरपी इसकी भी बढ़ेगी। और गुमे किसी के प्यार में नेक्स्ट जो वीक की टीआरपी आने वाली है डेफिनेटली उसमें भी सेकंड पोजीशन पर स्टैंड करने वाला है, नंबर वन पे तो नहीं आएगा। फिलहाल अनुपमा बहुत ग्रैंड लेवल पर आगे बढ़ रखा है। तो ऐसे में दोस्तों आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जी अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।